फ्रेंड्स हैं, जितने भी लोग हैं इंडिया के, हम लोगों को सुन रहे हैं, हम लोगों को देख रहे हैं, आप प्लीज इंडिया मीडिया की न्यूज खबरों को मत बिलीव कीजिए कि वो लोग कैसे मार रहे लड़कियों को। हेलो एवरीवन, मैं आ चुका हूँ आप लोगों के सामने एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज लेकर। कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट नहीं है आज इस वीडियो में, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है जो आज के दिन मुझे लगी कि ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है। जो यूक्रेन और रशिया का जो वॉर चल रही है, आज करीब पांचवा दिन है उस वॉर का और करीब करीब 108 या 110 घंटे हो चुके हैं उस वॉर को कंटिन्यू होए हुए। यूक्रेन की जो राजधानी है कीव, उसमें आने वाले 24 से 48 घंटे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज से मतलब आज 28 फरवरी है, मतलब 2 मार्च तक यूक्रेन की जो राजधानी है कीव वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली जो मुझे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ लगी वो ये न्यूज़ है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं, जो इंडियन में आ चुके, कई यूक्रेन के बॉर्डर पर हैं, कई यूक्रेन में फंसे हुए, अभी पूरे स्टूडेंट्स नहीं आए हैं, उनका ये दावा है। उन्होंने अभी अभी सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस डाली है जो कि मुझे देखी मैंने और मैंने आप लोगों से अब शेयर करूँ वीडियो। उसमें वो ये कह रहे हैं कि हम अपने इंडियन गवर्नमेंट के पास या इंडियन जो भारत के जो बड़े लोग हैं, हम उनको फ़ोन कर रहे हैं, वो हमारा फ़ोन काट रहे हैं, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, हम उनको मैसेज कर रहे हैं, मैसेज सीन नहीं कर रहे, या सीन कर रहे हैं तो सीन करके छोड़ रहे हैं, कोई रिप्लाई नहीं आया। वो ये कह रहे कि हमें भारत की तरफ से, हमें इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही है। जो यूक्रेन में फंस रहे हैं लोग, जो इंडियन आ चुके, मैं उनकी बात नहीं कह रहा हूँ, वो ये कह रहे हैं इंडिया वाले कि आप इंडिया का फ्लैग दिखा दीजिए, आपसे ना पूछताछ होगी, नहीं आपकी तलाशी ली जाएगी, आपको सीधा सीधा आपसे आपका बॉर्डर क्रॉस करवा दिया जाएगा, बस आप इंडियन फ्लैग रखिए। लेकिन वहाँ के जो स्टूडेंट हैं वो ये कह रहे कि कोई भी बॉर्डर हो गया, पोलैंड का हो गया या हंगरी का बॉर्डर हो गया, अच्छा कोई भी बॉर्डर हो गया, वहाँ पर हमारे बॉर्डर पे हमारे साथ मारपीट की जा रही है। और ये मैं कोई बोल नहीं रहा क्योंकि मेरे पास ये वीडियो है, मेरे पास, इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रहा हूँ। सच सब वीडियो के स्टार्टिंग में, वीडियो के एंड में, या वीडियो के बीच में आप ये वीडियो देख लेना, बहुत बड़ी न्यूज़ है क्योंकि वहाँ के स्टूडेंट्स कह रहे हैं और जो स्टूडेंट्स आ चुके हैं वो ये कह रहे हैं कि यार आपको इंडियन फ्लैग दिखा दीजिए, आपको आने दिया जाएगा, आपसे कोई पूछताछ नहीं होगी। अब मुझे नहीं पता कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, ए झूठ बोल रहा है, बी झूठ बोल रहा है, अब वो तो ऊपर वाला जाने, भगवान जाने। लेकिन हम यही चाहते हैं कि सारे के सारे स्टूडेंट, जो 20-25 हज़ार हमारे यूक्रेन में स्टूडेंट फंसे हुए हैं, वो इंडिया आ जाए बिल्कुल सही सलामत, हम और कुछ नहीं चाहते। अब ये मुझे इसलिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ लगी क्योंकि यार कुछ लोग ये कह रहे कि आप इंडिया का फ्लैग दिखा दीजिए और कुछ लोग ये कह रहे कि आप इंडिया का फ्लैग भी दिखा देंगे तो आपसे पूछताछ हो रही है, आपसे, आपको बॉर्डर क्रॉस नहीं कराया जा रहा, मतलब बहुत कुछ हो रहा, मारपीट हो रही है बॉर्डर पर। अब इंडियन गवर्नमेंट, अभी आज ही इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार ने या इंडियन गवर्नमेंट ने बोला है कि भारत के या इंडिया के 4 बड़े मंत्री, जो कि मोदी सरकार के जो 4 बड़े मंत्री है, वो बॉर्डर पर जाएंगे, अलग अलग बॉर्डर पर, वहाँ से इंडियन स्टूडेंट्स को निकाला जाएगा, अब ये बोला है। तो हो सकता है कि आने वाले 24 घंटे में जो 4 बड़े मंत्री हैं वो यूक्रेन के बॉर्डर पर मिले आपको, ठीक है। देख यार कैसे मार रहे लड़कियों को। इंडियन एम्बेसी में ये इनका नाम दिखा देते हैं आपको, विक्रम कुमार। We are calling them and he is continuously rejecting our calls. जबकि हम लोगों ने इनको रोमानियन बॉर्डर की वीडियोस भेजी हैं जहाँ पे लड़कियों को बेरहमी से मारा जा रहा है, और इन्होंने अभी दोपहर में ही हम लोगों को बोला है कि कीव के बच्चे जितने भी निकल पा रहे हैं ट्रेन से निकल जाएं, बॉर्डर्स पे
इस हालात में हम लोगों को गाइडेंस देने के बजाय ये लोग हमारे कॉल्स कट कर रहे हैं एंड दे आर कम्प्लीटली इग्नोरिंग अस. सारे कंट्रीज के सारे गवर्नमेंट्स ने उन लोगों को निकाल लिया है बट इंडियन गवर्नमेंट इज डूइंग नथिंग फॉर अस. दे आर सेइंग दे आर इवैक्यूएटिंग द इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम बॉर्डर. द बॉर्डर इज 800 किलोमीटर्स फ्रॉम आर करंट लोकेशन. हाउ आर वी एज अ स्टूडेंट सपोज टू रीच दोज बॉर्डर्स. आप जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी लोग हैं इंडिया के, हम लोगों को सुन रहे हैं, हम लोगों को देख रहे हैं, आप प्लीज़ इंडिया मीडिया की न्यूज़ खबरों को मत बिलीव कीजिए कि वो लोग हमें यहाँ पे मदद दे रहे हैं. इंडियन गवर्नमेंट हमारी कोई मदद नहीं कर रही है. आप लोग प्रोटेस्ट करना चालू करिए, इंडिया पे प्रेशर डालिए गवर्नमेंट पे, तभी हम 20,000 से 30,000 बच्चे जितने भी यहाँ पे स्टक हैं, इंडियन मेडिसिन स्टूडेंट्स, सॉरी फॉरेन मेडिसिन स्टूडेंट्स, वो निकल पाएंगे. थैंक यू. जय हिंद, जय भारत. सेकेंड जो बड़ी न्यूज़ मुझे आप लोगों से मुझे मतलब शेयर करने को है, वो न्यूज़ ये है कि रूस के जो प्रेसिडेंट हैं पुतिन और यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं, उनकी जो बातचीत चल रही है करीब करीब अब 3 घंटे या 3.5 घंटे हो चुके इस बातचीत को. जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जब मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा, या तो बातचीत ख़त्म हो गई होगी या फिर बातचीत कंटिन्यू होगी, कुछ भी हो सकता है. लेकिन उनके बीच में बातचीत चल रही है कि ये जो वॉर चल रही है ये ख़त्म हो जाए. रशिया के लोग भी ये कह रहे हैं कि वॉर नहीं चाहिए हमें. ब्राज़ील हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, फ्रांस हो गया, पेरिस हो गया, अमेरिका हो गया, ये साउथ अफ्रीका हो गया, ब्रिटेन हो गया, हर जगह ये जापान, हर जगह प्रोटेस्ट चल रहे हैं कि हमें वॉर नहीं चाहिए, हमें वर्ल्ड वॉर 3 नहीं चाहिए. अब मैं बताता हूँ क्या बातचीत हो सकती है. बातचीत ये चल रही है कि ये वॉर यहाँ पर ख़त्म हो जाए. जो रूस के जो प्रेसिडेंट है वो ये कह रहे कि आप नेटो में शामिल मत हो, लेकिन यूक्रेन के प्रेसिडेंट ये कह रहे कि हम नेटो में शामिल होंगे. अब नेटो में शामिल होने से रूस को क्या खतरा है? रूस को आप शायद से आप ये न्यूज़ चैनल पे या आपने हर जगह कहीं ये वीडियोस देखी होगी कि अमेरिका अपनी सेना ले आएगा, ये कहा जा रहा है और ये हो भी सकता, ये है ही, क्योंकि नेटो में अमेरिका, आपका कैनेडा, पूरा यूरोपियन, उसमें फ्रांस, नीदरलैंड, बेल्जियम, जर्मनी, सब कंट्रीज हैं जो कि वहाँ से हटे थे. अब ये बातचीत बेलारूस में चल रही है, ठीक है. अब पुतिन ने एक बहुत बड़ी बात कह दिया कि बेलारूस का जो बॉर्डर है, जो यूक्रेन और जो बेलारूस का बॉर्डर है, उस पर न्यूक्लियर बॉम्ब अपने खड़े कर दें, और कभी भी हो सकता है, मतलब एक बटन दबाने की देर है. क्योंकि उससे पहले मैं आपको एक न्यूज़ और बता देता हूँ कि न्यूक्लियर बम की बात कहाँ से बताता हूँ. क्योंकि यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ये बोला कि हम एक इंटरनेशनल आर्मी बनाएंगे. इंटरनेशनल आर्मी मतलब सभी देशों के लोग, सभी देशों की आर्मी बनाएंगे, जो कि रशिया को हराना है, हमें रशिया को हराना है और रशिया हमारे देश से चला जाए, इसलिए हम एक इंटरनेशनल आर्मी बनाएंगे. और अमेरिका क्या कर रहा है पिछले कुछ 5 दिन से या 6 दिन से, पिछले 1 हफ्ते से अमेरिका क्या कर रहा है, अमेरिका के प्रेसिडेंट क्या कर रहे हैं, जो बाइडन, वो संबोधित कर रहे हैं, कुछ पाबंदियां लगा रहे हैं. लेकिन पाबंदियां से मुझे नहीं लगता कि कुछ फर्क पड़ रहा है, क्योंकि पाबंदियां से रूस का दिमाग, रूस के प्रेसिडेंट का दिमाग बहुत खराब होता जा रहा है, ये तो बात है ही. क्योंकि जब से जब कोई पाबंदियां लगा रहा है, ब्रिटेन हो गया या फिर अमेरिका के प्रेसिडेंट हो गए, रूस कुछ ना कुछ उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है. क्योंकि यूक्रेन के जो बॉर्डर पर मिसाइल लैब खड़ी कर देगा, वो भी न्यूक्लियर बम, जो कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद ये बहुत हो सकता है कि अगर न्यूक्लियर बम दबा दिए तो पूरा वॉर, या मैं कह सकता हूँ पूरा देश ख़त्म हो जाएगा, पूरा देश. क्योंकि वो सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर बम भी क्या कहते हैं, रशिया के पास है, करीब करीब 6,000 के आसपास है, अमेरिका के पास 5,500 है, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, या आपके बेल्जियम, नीदरलैंड के पता नहीं नीचे कोई एक शहर है वो, और ब्रिटेन हो गया, या फिर जर्मनी हो गया, या फिर कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, इनके पास तो है मिसाइलें. लेकिन एक तरफ रूस और एक तरफ चाइना. चाइना के पास मैं आपको बता दूँ करीब करीब 350 न्यूक्लियर मिसाइलें हैं, और भारत के पास करीब करीब 160 मिसाइलें, ठीक है. तो ये बहुत बड़ी ये न्यूज़ है, मैं आप लोगों से थोड़ा एक्स्ट्रा निकालेगा, मैं बता देता हूँ आज की. सबसे पहले तो अपने जो पुतिन के, रशिया के जो प्रेसिडेंट है, यूक्रेन और बेलारूस का जो बॉर्डर है, वहाँ पे न्यूक्लियर मिसाइलें खड़ी कर रहा है, या कर देगा आने वाले 12 घंटों के अंदर या 24 घंटों के अंदर, ये आपको न्यूज़ पक्का मिल जाएगी. न्यूज़ चैनल में भी यही चल रहा है, हर जगह यही चल रहा है कि कर देगा वो, ठीक है.
बातचीत चल रही है, बातचीत का मुझे कोई असर नहीं लगता कि बातचीत से कोई सॉल्यूशन निकलेगा, कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा बातचीत से। और यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने बहुत बड़ी बात बोल दी कि हम एक इंटरनेशनल आर्मी बनाएंगे। मतलब इंटरनेशनल आर्मी का मतलब है कि एक सीधा सीधा युद्ध है वर्ल्ड वॉर थ्री, क्योंकि वर्ल्ड वॉर थ्री इसलिए हो सकता है क्योंकि अमेरिका के और उसके रशिया के प्रेसिडेंट ने ये बात बोली थी, अगर कोई तीसरा देश इस वॉर के बीच में आया तो उसका वो हाल होगा जो उसने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा, क्योंकि रशिया ने ये बात बोली थी, रशिया के प्रेसिडेंट ने, जब ये वॉर स्टार्ट हुई थी, अब वॉर से एक दो दिन पहले अब ये बात बोली। और चाइना रशिया का साथ देगा क्योंकि चाइना चाहता है कि अमेरिका से टक्कर लेना, तो चाइना देगा रशिया का साथ। अब भारत ने ये बात बोली है, भारत हमेशा मतलब इंडिया गवर्नमेंट ये बोलती थी कि दोनों देशों के से कि शांति बनाए रखी, अब इंडियन गवर्नमेंट ने ये बात बोली है कि हम एक मतलब सीधा बात बोल दी, मतलब पहले तो ये रशिया का भी साइड ले रहा था, यूक्रेन की भी साइड ले रहा था दोनों की, क्योंकि दोनों से अच्छे संबंध है, क्योंकि रशिया ने हमारे पाकिस्तान के साथ 1971 जो पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, जो भी हमारे साथ पहले पाकिस्तान के साथ हो रखे उसमें उसने साथ दिया था। अब भारत ने ये बात बोल दी यूक्रेन में जो भी लोगों को मदद चाहिए दवाइयों की वो भारत करेगा मदद, ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। और रूस ने 36 देशों से अपनी फ्लाइट बंद कर दिए, उसमें आपकी इटली हो गई, उसमें आपका फ्रांस है, उसमें आपका जर्मनी है, उसमें आपका अमेरिका है, उसमें आपका जापान है, 36 देशों से फ्लाइटें बंद कर दी गई है रूस के द्वारा। अब जाते जाते मैं एक बात और बोल देता हूँ कि आने वाले, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इस वीडियो में बार बार बोला मैंने, आने वाले 24 घंटे या आने वाले 48 घंटे रशिया यूक्रेन के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही नहीं, इम्पोर्टेंट है पूरे वर्ल्ड के लिए, क्योंकि एक छोटी सी बात या एक छोटी सा बटन पूरे पृथ्वी को या मैं कह सकता हूँ कि पूरे वर्ल्ड को तबाह कर सकते हैं। ऐसा ही कुछ अमेरिका के जो पूर्व प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप भी करने वाले थे, उसके ऊपर भी हमने एक छोटी सी वीडियो 1 मिनट की क्लिप डाली थी, मैं फिर से इंस्टाग्राम के पेज पर डाल दूंगा और ऊपर एक स्टोरी ऊपर एक फोटो भी लगा रहा हूँ, आप चेक कर लेना। ऐसे ही अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी करने वाले थे, मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ, उन्होंने बोल दिया था, हो सकता था वो कर भी दे, जैसे आज पुतिन की हालत है सेम वही थी हालत, डोनाल्ड ट्रंप कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते थे, ये पुतिन चाहता है कि नेटो में मत शामिल हो और यूक्रेन चाहते कि हम नेटो में शामिल हो, क्योंकि अगर नेटो में शामिल हो तो अमेरिका की फौज आ जाएगी। और देखो हथियार तो देखो नेटो दे रहा है, हर देश देगा अब क्योंकि बहुत बड़ी बात है, लेकिन कहते हैं मतलब देखते हैं कि आने वाले समय में आने वाले टाइमों में क्या होगा। मैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर, हर जगह वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो आप चैनल को यार देख लेना और पेज को अगर आप देख रहे हो कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे तो आप फॉलो कर लेना, ठीक है।